माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ट्विटर ने भारत की एकता को खंडित करते हुए भारत के गलत नक्शे को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पेश किया, जिसमें ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया। जिसके बाद गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि ट्विटर ने कश्मीर, लेह और लद्दाख को भारत के नक्शे से बाहर दिखाकर जो अशोभनीय और आपराधिक कृत्य किया है, भारत सरकार और हमने इसे गंभीरता से लिया है, जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। ट्विटर लगातार विवादित विषयों को लेकर उकसाने की हरकत करता है। दरअसल ट्विटर की तरफ से भारत के गलत नक्शे को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पेश किया गया था, जिसमें ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया था। यह विवाद तब सामने आया जब ट्विटर का भारत सरकार के साथ पहले से ही विवाद चल रहा है और नए सोशल मीडिया रूल्स को लेकर अभी भी विवाद जारी ही है। वहीं इस तरह की हरकत से भारत के विरोधी देश चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को फायदा पहुंचाने की हरकत की जा रही है। इससे पहले ट्विटर ने लेह को चीन का हिस्सा दर्शाकर विवाद खड़ा कर दिया था। उस वक्त केंद्र सरकार के आपत्ति के बाद ट्विटर को भारत का गलत नक्शा हटाना पड़ा था। वहीं इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ट्विटर ने यह अशोभनीय कार्य किया है। ट्विटर कभी तो भारत माता पर विवाद खड़ा कर देता है तो कहीं गलत नक्शा दिखाकर विवाद पैदा करता है। उन्होंने कहा डीजीपी विवेक जौहरी को आवश्यक पड़ताल कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बहुत गंभीर विषय हम देख रहे हैं लंबे समय से, कभी भारत माता के बारे में ऐसा बोलना, कभी ट्विटर पे इस तरह का आना। मैंने आज डीजीपी को स्पष्ट रूप से निर्देश किया है, भारत सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी गंभीरता से लिया। केस के सभी पहलुओं को जांच करें और इस पर केस रजिस्टर करके एफआईआर करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।